ये जंग नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूँ राजीव मिश्रा। कोरोना वो आग का दरिया है जिसमें डूब कर जाना है और आप तभी पार हो पाएंगे जब आपके अंदर हिम्मत होगी, आपके अंदर ताकत होगी, ठीक उसी तरह से जैसे पिछले दो सालों में भारतीय तेज गेंदबाजों ने इस क्रिकेट के मैदान पर वो हिम्मत और वो ताकत दिखाई है जिसकी वजह से उनकी एक अलग पहचान बनी। आज इन्हीं तेज गेंदबाजों पे बात करेंगे और इनकी ताकत के जरिए आपको वो हौसला और हिम्मत देने की हम कोशिश करेंगे जिसकी जरूरत इस समय पूरे देश को है। आज एक खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे इन तेज गेंदबाजों के ऊपर और साथ ही एक तुलना भी आपको दिखाएंगे कि 90 के दशक के बाद से इन तीनों तेज गेंदबाजों ने एक मुकाम हासिल किया है, इस मुकाम के पीछे उनकी कितनी मेहनत रही है, कितनी ताकत रही है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोढ़ी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, ये रिपोर्ट है मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और नवदीप सैनी जैसे गेंदबाजों को लेकर जिन्होंने पंजा तोड़ गेंदबाजी करके विरोधियों को चारों खाने चित किया। उसी तरह की हिम्मत और हौसले की जरूरत है इस समय देश को भी। क्रिकेट के मैदान पर अगर गेंदबाज जब तक बल्लेबाजों को आउट नहीं कर लेते वो छोड़ते नहीं, ठीक उसी तरह से कोरोना वायरस के खिलाफ जब तक हम उसको तोड़ नहीं देंगे तब तक हम इस जंग को नहीं छोड़ेंगे। ये संदेश है इस क्रिकेट के मैदान से और ये संदेश कितना इंपॉर्टेंट है रितेंद्र, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो बात चाहे कोरोना वायरस की हो या बात हमारे उन तीन तेज गेंदबाजों की जिनकी यॉर्कर्स ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बनाई और वो इतने खतरनाक नजर आते हैं कि उनकी तुलना वसीम अकरम, वकार यूनुस, एंड्रयू फ्लिंटॉफ जैसे गेंदबाजों के साथ होने लगी है। जी हाँ राजीव, अगर हम बात करते हैं भारतीय बोलर्स की, भारतीय कहानी की बोलिंग में, तो तस्वीर बदल गई है। एक जमाना था भारतीय बोलर्स को डेथ बोलिंग में बहुत मार पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे पास टॉप क्लास बोलर्स हैं। बुमराह की बात करें, भुवनेश्वर की बात करें, नवदीप सैनी की बात करें, मोहम्मद शमी की बात करें, जो एट विल पेस से यॉर्कर्स लगा सकते हैं, तो वकार यूनिस की बात करें, अगर हम वसीम अकरम को यहां पे कंसिडर करें, टॉप क्लास बोलर्स थे, यॉर्कर बहुत सटीक लगाते थे, तो अब हमारे पास भी ऐसे बोलर्स हैं जो किसी भी ओपोनेंट को अपनी यॉर्कर के साथ ध्वस्त कर सकते हैं। तो जी हां, क्रेडिट देना होगा भारतीय बोलर्स को और भारतीय बोलर्स की मेहनत को। राजकुमार जी, हमने तस्वीरों में देखा मोहम्मद शमी अपने घर पे हैं, इसके अलावा ईशान शर्मा की भी तस्वीरें आ रही हैं, नवदीप सैनी और जसप्रीत बुमराह सब अपने अपने घरों पे हैं, अलग अलग तरीके से अपने को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही वो संदेश भी दे रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाजों की एक पहचान बनाई, ठीक उसी तरह से हिंदुस्तान को भी कोरोना वायरस के खिलाफ जो चल रही जंग है उसमें एक अलग पहचान बनाना है। इन तेज गेंदबाजों से कितना मोटिवेशन मिलेगा देशवासियों को, क्योंकि इन्होंने लीग से हटकर काम किया और कुछ इसी तरह से देश को भी लीग से हटकर काम करना है, कोरोना को हराना है और हिंदुस्तान की अपनी एक अलग पहचान बनाना है। जी, जिस तरह मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और ईशान शर्मा अपने घर पर रहकर अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक संदेश देना चाहते हैं पूरे भारत को कि जिस तरह इन तीनों ने मिलकर एक अलग पहचान बनाई है वर्ल्ड क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग के डिपार्टमेंट में, उसी तरह भारत भी कोरोना के अगेंस्ट फाइट करके एक अलग अपनी पहचान बनाएगा और हम यहां से कोरोना को मात देने में कामयाब रहेंगे। राजकुमार जी, आपको भी लग रहा है कि जो काम नवदीप सैनी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी कर रहे हैं, इन दोनों जिस तरह की प्रैक्टिस सेशन वो करते हैं यॉर्कर्स डालने के लिए, उनकी यॉर्कर्स ने एक अलग पहचान बना दी है वर्ल्ड क्रिकेट में इन तीन तेज गेंदबाजों की? जी हाँ, जिस तरह इन तीनों फास्ट बॉलर्स ने अपनी यॉर्कर्स पे काम किया है वो बहुत ही लाजवाब है और स्पेशली मैं क्रेडिट देना चाहूंगा बुमराह को, जिन्होंने शुरुआत की इस शानदार यॉर्कर्स डालने की, पहले T20 में, फिर वनडे क्रिकेट में, और देखा देखी मोहम्मद शमी और ईशांत ने भी उनको फॉलो किया है और इस समय भारतीय तेज गेंदबाज जो कि पहले नहीं जाने जाते थे बहुत ज्यादा यॉर्कर्स के लिए, आज वो तीनों सक्षम हैं बहुत अच्छे यॉर्कर्स डालने के लिए और इसीलिए डेथ ओवर्स में भारत की गेंदबाजी बहुत स्ट्रांग नजर आती है और इसीलिए एक अलग पहचान बन गई है भारतीय तेज गेंदबाजों की। रितेंद्र, आपको क्या लग रहा है, वो चाहे रेड बॉल की हम बात करें या वाइट बॉल की बात करें, बहुत ही कंट्रोल के साथ वो न सिर्फ गेंद को रिवर्स कराते हैं बल्कि जो हम प्रैक्टिस देखते हैं लगातार जूता डाल के गेंदबाजी करने की, एक लक्ष्य बना के गेंदबाजी
बल्लेबाजी करने की, उस लक्ष्य को उन्होंने कई बार हासिल किया है। क्या ये एक बड़ी वजह मानते हैं कि इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हमारे देश के लोग हो रहे हैं कि अगर वो इस मंजिल को पा सकते हैं जो मंजिल कभी वसीम और वकार ने पाई, तो फिर देश कोरोना को क्यों नहीं हरा सकता? ये क्या इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं हमारे तेज गेंदबाजों को जो जंग चल रही है कोरोना के खिलाफ? हाँ राजीव, आपने सही कहा। अगर हम फॉर्मेट्स की बात करें, लाल बॉल की क्रिकेट या सफेद बॉल की क्रिकेट, सब में हमारे बॉलर सक्षम हैं। यॉर्कर लगाने का आर्ट अब हमें पता है। सफेद बॉल का हम बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, लाल बॉल का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और समय पे जब जरूरत है यॉर्कर की तो यॉर्कर लगाते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें इंडिया का नंबर वन बॉलर यॉर्कर में कौन है, वैसे तो सभी अच्छे हैं, अच्छा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बुमराह हैज टू गेट ऑल द एक्कोलेड्स। क्योंकि अगर ये जो ट्रेडिशन आया है अच्छी यॉर्कर्स का, मेहनत का, यॉर्कर कैसे लगानी है, तो ये बुमराह के आने से आया है। तो अब सब लोग बुमराह को फॉलो कर रहे हैं और अब हमारे पास यॉर्कर है, हमारे बॉलर्स को मार नहीं पड़ती है, क्योंकि जब यॉर्कर आप अच्छे से लगाते हैं बिल्कुल सटीक, तो उसको हिट करना मुश्किल होता है, आपके पास विकेट लेने का चांस है। और इसीलिए भारतीय टीम बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है अक्रॉस द फॉर्मेट्स। तो आपको भी थोड़ी हैरानी हो रही होगी कि हम आखिर एक ऐसे मौके पर जब पूरा विश्व कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगा है, हम यॉर्कर्स की बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल यॉर्कर वो गेंदबाज होती है जो जड़ से किसी भी बल्लेबाज को आउट करने का काम करती है, यानी कि जड़ पे आप उसके अटैक करते हैं, और कोरोना वायरस के जड़ पर अटैक करने का टाइम आ चुका है। अगर आप मेरे बाएं तरफ देखें तो वो तीन तेज गेंदबाज आपको खड़े नजर आएंगे, नवदीप सैनी, जसप्रीत बुमराह और शमी, जिनको महारत हासिल है यॉर्कर्स डालने में। वहीं अगर हम इधर देखें, वसीम अकरम, वकार यूनिस, एंड्रयू फ्लिंटॉफ, मिचेल स्टार्क, ये कुछ ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है अपनी तेज यॉर्कर्स के जरिए। तो वाकई सवाल बड़ा जहन में यही आता है कि वकार यूनिस और वसीम अकरम की पंजा तोड़ गेंदों का जवाब क्या कई सालों के बाद हिंदुस्तान के तेज गेंदबाज देते हुए नजर आएंगे कोरोना वायरस के बाद? जब क्रिकेट के मैदान पर खुशहाली आएगी, ये मैदान गुलजार होते नजर आएंगे, तो क्या भारतीय तेज गेंदबाज उन यादों को दोबारा से दोहराते नजर आएंगे? राजकुमार जी, अगर हम बहुत पीछे ना जाएं, वसीम, वकार, एंड्रयू फ्लिंटॉफ के जमाने पर जाएं, ग्लेन मैग्रा, ये वो तमाम तेज गेंदबाज, ब्रैटली की हम बात करें जो यॉर्कर्स जिनकी बड़ी मशहूर थी, क्या आपको लग रहा है वो एरा या उस एरा को चुनौती देते नजर आ रहे हैं हमारे तेज गेंदबाज? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। आपने इसकी शुरुआत वकार यूनिस और वसीम अकरम के टाइम से हुई थी, जब उन्होंने बहुत शानदार यॉर्कर्स मार के बहुत लाचार कर दिया था बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए, और उसके बाद ब्रेटली, ग्लेन मैग्रा ने उस क्रम को जारी रखा था। और अब भारतीय तेज गेंदबाज और स्पेशली बुमराह और शमी, जिस तरह की यॉर्कर्स वो मारते हैं वो बहुत ही लाजवाब है। 140 प्लस पे और रिवर्सिंग होते हुए जब ऐसा यॉर्कर आता है तो किसी भी बल्लेबाज के लिए खेलना होता है, तो एक बहुत शानदार अचीवमेंट है हमारे फास्ट बॉलर्स का। रितेंद्र, आपको क्या लग रहा है, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी या आपको लग रहा है कि मोहम्मद शमी के साथ साथ नवदीप सैनी और जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर्स वाकई हमें 90 के दशक में ले जा रही हैं, जब हम वसीम और वकार को देखते थे बड़ी बड़ी टीमों को ध्वस्त करते हुए, और उनकी यॉर्कर्स से पैर को बचाना, पंजे को बचाना बिल्कुल नामुमकिन सा नजर आता था, खासतौर से जब गेंद रिवर्स स्विंग होने लगे? जी हाँ राजीव, अगर हम बात करते हैं आज की क्रिकेट की, अब हमारे पास बॉलर्स हैं जो यॉर्कर लगा सकते हैं। मुझे याद आता है, अगर आप मुझसे पूछें मेरे लिए सबसे टफेस्ट यॉर्कर किसकी थी, वो थी इयन बिशप की, वेस्टइंडीज के महान बॉलर, बहुत ऊंचे कद के थे, और जब उन्होंने यॉर्कर मुझे लगाई तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया और मेरे पैरों पे बॉल आ टकराया, जी हाँ, LBW से बच गया। तो अब कुछ ऐसा ही हमारे बॉलर्स कर रहे हैं, बहुत बढ़िया यॉर्कर्स कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं 90 के दशक की, जहां वो जमाना था जब हमारे पास बॉलर्स थे शानदार यॉर्कर्स लगाते थे, या अगर हम ओपोनेंट्स की बात करें, बाहर की टीम्स की बात करें, उनके पास सटीक बॉलर्स थे, तो भारत के पास भी आज की क्रिकेट में शानदार बॉलर्स हैं। बस नजर ना लगे, फिंगर्स क्रॉस, ऐसे ही यॉर्कर्स हमारे फास्ट बॉलर लगाते रहें और ओपोनेंट्स का बुरा हाल करते रहें। अब हम बात कर लेते हैं उस आग के दरिए की, यानी उस कोरोना वायरस की, जिसको पार करके इस जंग को जीता जा सकता है, और इसके लिए जरूरत है हिम्मत और हौसले की। और राजकुमार जी, क्या है हिम्मत और हौसला दोनों ये तेज गेंदबाज, भारतीय तेज गेंदबाज दिखाते आए पिछले 2 सालों में, और इसीलिए आपको लग रहा है उनकी चर्चा ज्यादा हो रही है बनस्पत भारतीय बल्लेबाजों की? या वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा महफिल लूटने का काम किया है तो भारतीय तेज गेंदबाजों के यॉर्कर्स ने किया है?
जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। आपने इसकी शुरुआत वकार यूनिस और वसीम अकरम के टाइम से हुई थी, जब उन्होंने बहुत शानदार यॉर्कर्स मार के बहुत लाचार कर दिया था बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए, और उसके बाद ब्रेटली ग्लेन मैग्रा ने उस क्रम को जारी रखा था। और अब भारतीय तेज गेंदबाज और स्पेशली बुमराह और शमी, जिस तरह की यॉर्कर्स वो मारते हैं वो बहुत ही लाजवाब है। 140 प्लस पे और रिवर्स होते हुए जब ऐसा यॉर्कर आता है तो किसी भी बल्लेबाज के लिए खेलना मुश्किल होता है, तो एक बहुत शानदार अचीवमेंट है हमारे फास्ट बोलर्स का। रितेंद्र, अगर हम भारतीय तीन तेज गेंदबाजों की बात करें, जसप्रीत बुमराह, नवदीप सैनी और इसके अलावा मोहम्मद शमी, आपको रैंक करना हो यॉर्कर वाइज तो आप कैसे रैंक करेंगे इन तीन तेज गेंदबाजों को और क्यों करेंगे? ये तो राजीव बहुत मुश्किल है कि हम रैंक अपने बोलर्स को कैसे करें, क्योंकि अब एक से ऊपर अगर हम अपने बोलर्स की बात करते हैं वो बेहतर है यॉर्कर्स लगाने में। बट स्टिल अगर आंसर देना ही है तो मुझे ऐसा लगता है नंबर वन हैज टू बी बुमराह ऑल द वे, नंबर टू मोहम्मद शमी और नंबर तीन नवदीप सैनी। नए क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल सीन पे अभी आए हैं, लेकिन जो जौहर उन्होंने दिखाया है यॉर्कर लगाने में वो कमाल का है। और सबसे बड़ी बात है ये तीनों बॉलर्स राजीव बहुत पेस से बॉलिंग करते हैं, 140 प्लस बॉलिंग करते हैं, तो यॉर्कर जब पेस से आ रहा हो और अगर उसमें स्विंग भी हो तो बहुत मुश्किल होता है बल्लेबाज के लिए। और कुछ ऐसी ही मुश्किल परिस्थितियां हमारे बॉलर्स क्रिएट कर रहे हैं तमाम बल्लेबाजों के लिए। राजकुमार जी, मॉडर्न क्रिकेट में चलते चलते आपको लग रहा है जो हम तीन तेज गेंदबाजों की, भारतीय तेज गेंदबाजों की चर्चा कर रहे हैं, उनको कौन से गेंदबाज आपको लग रहा है यॉर्कर्स के मामले में कंपटीशन दे सकते हैं? किस तरह से आप देखते हैं आने वाला समय, जब कोरोना वायरस को हरा के हम वापस मैदान पे आएंगे, किस तरह से आप देखते हैं भारतीय तेज गेंदबाजों का फ्यूचर? जी, काफी हौसला है और हिम्मत के साथ ये गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी मेहनत की है प्रैक्टिस में इन तीनों ही गेंदबाजों ने, और इसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूंगा भारतीय फास्ट बॉलिंग कोच भरत अरुण को और साथ साथ कप्तान विराट कोहली को भी, कि जिन्होंने पूरी लिबर्टी दी है इन गेंदबाजों को कि आप मेहनत कीजिए, आपको जो आपको फील्ड चाहिए वो आपको मिलेगी, और एक कॉन्फिडेंस है उन्हें अपने कप्तान को के ऊपर कि अगर हमें थोड़े रन भी एक्स्ट्रा जाएंगे यॉर्कर डालते हुए, अगर हाफ वॉली भी हो गई तो कोई ऐसा नहीं होगा कि हमें कोई परेशानी होगी। तो ये कुल मिलाकर एक टीम गेम है और इसमें इसीलिए आज ये भारतीय तीनों तेज गेंदबाज इतना शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है अपने कोच के ऊपर, अपने कप्तान के ऊपर और अपनी एबिलिटी के ऊपर। रितेंद्र, आपको क्या लग रहा है, चलते चलते आपसे भी जानना चाहेंगे, भारतीय तेज गेंदबाजों को कौन से वो गेंदबाज हैं जो यॉर्कर्स के मामले में मॉडर्न क्रिकेट में बड़ी चुनौती देते नजर आ रहे हैं आपको? अगर हम बात करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, तो अगर बुमराह के एट पार मे बी थोड़ा उनसे जरूर नीचे है मिचेल स्टार्क, बहुत बढ़िया यॉर्कर लगाते हैं, पेस से लगाते हैं। बट अगर दोनों का कंपैरिजन करना हो, मेरे लिए बुमराह बेहतर है क्योंकि मेंटली बहुत स्ट्रांग है, बहुत मेहनत उन्होंने की है यॉर्कर पे, और अगर बुमराह आज भारत के लिए खेल रहे हैं तो ये भारत के लिए बहुत एक लकी बात है। तो हम यही चाहेंगे बुमराह और तमाम ये टीम, बोलर्स की टीम जो भारत की अब है, जो सटीक यॉर्कर्स लगा रही है, ऐसे ही अच्छा करते रहे और भारतीय टीम को जिताती रहे। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हिम्मत और हौसले से जिस तरह से भारतीय तेज गेंदबाजों ने वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई, कुछ उसी हिम्मत और हौसले के साथ हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं, इस बात की अपील कर रहे हैं कि भारतीय जो हमारे देशवासी हैं वो भी इसी हिम्मत और हौसले के साथ कोरोना वायरस से लड़ें और इस जंग को जीतने के बाद जब वो दोबारा से मैदान की तरफ देखेंगे तो कुछ वैसी ही खुशहाली, कुछ वैसी ही ढेर सारी खुशियाँ भारतीय क्रिकेटर्स हमारे देशवासियों को देंगे, इस बात की पूरी उम्मीद है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।